हाय फ्रेंड्स, तो चलिए स्वास्थ्यवर्धक आंवले का अचार बनाना सीखते हैं। इस सीज़न में आंवले बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आंवलों को मैंने कुकर में हल्दी और नमक डाल के उबाल लिया 2 सीटी आने तक। इधर मैंने हरी मिर्ची को भी अच्छे से काट लिया है। इधर मैं पचफोरन को तवे में अच्छे से भून के तैयार कर रही हूँ। पचफोरन में है सरसों, सौंफ, मेथी और राई वगैरह है। इसको मैं अच्छे से तवे में भून रही हूँ। इधर मैंने 250 ग्राम सरसों का तेल ले लिया है। मैं उसको कढ़ाई में गर्म कर रही हूँ और मैं तेगी लाल मिर्च जो है वो इसमें अचार बनाने में यूज़ करने वाली हूँ। पहले ना आप फ्रेंड्स इसको अच्छे से भून लीजिएगा। भूनने से ये सौंधी सौंधी खुशबू आती है, इससे अचार का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। अब मैं देखिए इसको ग्राइंडर में अच्छे से दरबरा पीस लूँगी। ज़्यादा इसको नहीं पाउडर बनाना है, हल्का दरबरा सा पीस देना है। पीसने से अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने देखिए इसको पीस लिया है। पीसने के बाद मेरा तेल अब गर्म हो गया है। अब मैं तेल में, ये देखिए मेरा तेल गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें हरी मिर्ची को डाल के, मैंने 8-10 हरी मिर्चियाँ ली थी, इसको मैंने तेल में डाल के धीमे आँच पे मैं इसको फ्राई करूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा मतलब सॉफ्ट हो जाए, मिर्चियाँ हल्का सा फ्राई पन आ जाए तभी इसमें मैंने ये सूखे मसाले डाल दिए। सूखे मसाले जो मैंने भून के और पीस के रखे थे वो मैंने डाल दिए। अब मैं इनको तेल में अच्छे से इन्फ्यूज़ करूँगी, अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। फ्राई नहीं करना है, मीन्स इसको हल्का सा मिक्स हो जाए। और फिर मैंने गैस का नॉब बंद कर दिया फ्रेंड्स। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा। फिर मैंने देखी लाल देगी मिर्च जो है पैकेट, 1 पैकेट 5 वाला, वो मैंने पूरा डाल दिया। डालने के बाद मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसमें आपको ज़्यादा मतलब भुनना नहीं है ना फ्राई करना है। कढ़ाई नॉब मैंने बंद कर दिया था गैस, और मैं उसी में हल्का, मेरा तेल गर्म था, मैंने उसमें ही 2 चम्मच के करीब नमक डाल दिया, क्योंकि मैंने आंवला उबालते समय भी उसमें नमक डाला था, तो मैंने 2 चम्मच डाल दिए। इधर ये मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। मैं हाथ से इसलिए डाल रही हूँ कि अंदाज भी पड़ेगा, और मेरा अमचूर पाउडर थोड़ा सा मतलब वो हो गया था, जम गया था, तो मैंने उसको पाउडर बना के हाथ से मतलब डाल दिया। तो ये देखिए मैंने अमचूर भी पाउडर डाल दिया। डाल के अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मेरा तेल हल्का गर्म है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है। तो अब मैंने जो आंवला उबाल के रखा था उसको, उसमें मैं देखिए अब ये तेल, ये मसालों वाला तेल डाल दूँगी। डाल करके बस कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, मिनटों में ये अचार देखिए बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी आंवलों में। आंवला जब इस तेल को और मसालों को अच्छे से सोक कर लेगा आधे घंटे तक, जब तक ये मतलब गर्म है तब तक मैं इसको इसी बर्तन में रखने के बाद, बाद में मैं इसको एक डब्बे में, अचार के डब्बे में देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। मेरा अचार बनके रेडी है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।